लोकसभा चुनाव का विगुल बजते ही चुनाव में हर जाति और हर समुदाय के लोग अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा सीट से थर्ड जेंडर सुनैना सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी हैं। पहले वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही थी, पर धनबाद लोकसभा से भारतीय एकता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने उन्हें अपना टिकट दिया है। किन्नर सुनैना सिंह अखिल भारतीय किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष हैं। सुनैना सिंह ने अपने आवाज में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। भारतीय एकता पार्टी की प्रत्याशी सुनैना सिंह ने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और भारत में सभी वर्ग में एकता अखंडता बना रहे, यही मेरी सोच और भारतीय एकता पार्टी की सोच है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी चरम पर है। धनबाद जो कि कोयले की राजधानी कहलाती है, ब्लैक डायमंड के इस शहर में डायमंड की कमी क्यों है? जनता ने मौका दिया तो धनबाद में शिक्षा का अलग जगाने और बेरोजगारी को दूर करना पहली प्राथमिकता रहेगी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करवाया है कि मैं पहले तो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रही थी, मैंने घोषणा भी किया था, लेकिन बाद में मुझे मुमकिन नकिन भारतीय एकता पार्टी से टिकट दी गई। उसी टिकट को मेरी पार्टी वाले ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए और अपना पहचान बताइए कि मुझे, मैं क्या बोलते हैं इसे, मैं निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं, हमें पार्टी से टिकट मिली है। पदार हमारा पार्टी का, जैसे मेरी सोच है वैसे ही हमारी पार्टी का सोच है, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और भारत के अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट के हो, सब में एकता बना रहे, अखंडता बना रहे, यही हमारी पार्टी की सोच है। जी, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमें धनबाद जिला के अंदर जो आज तक नहीं हुआ, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं। आप धनबाद से ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, सिंध्री BIT कॉलेज के पीछे वाले ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, या फिर यहाँ रतनपुर चले जाइए, गोविंदपुर चले जाइए, इस साइड में भी आपका बोकारो का इधर चंदन क्यारी साइड में चले जाइए, आज भी वहाँ शिक्षा के नाम पे शून्य है, रोजगार के नाम पे लेबर का हाजिरी में खटने वाले, सुबह खटे खाए अपना गमाए, ऐसा सिचुएशन है धनबाद का। तो जब कोयले की राजधानी है ये, तो फिर यहाँ बेरोजगारी क्यों है? ब्लैक डायमंड के शहर में डायमंड की कमी क्यों हो गई? देखिए, हम लोग जैसे हजारों घर में हजारों घर रोज घूमते हैं, 10 घर घूमना आना जाना, अच्छे बुरों से, अच्छे लोग के पास से भी हमारी मुलाकात होती है, कोई बुरे लोग से भी बातें होती हैं, सब जगह हमारा आना जाना है जिले के अंदर, हम लोग माने खाने वाली जात है। तो कितने लोगों के घर में, अच्छा सोसाइटी के घर में भी, मिडिल क्लास के ऊपर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, और उनसे नीचे गरीब अवस्था में भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशन है, जो कभी रोते दीदी ऐसा ले लो, इतना ले लो, देखो ना हमारा तो पेंशन रुक गया है, देखो ना हमारा तो बेटा एग्जाम देने गया लेकिन पैसा कर एग्जाम नहीं दे सका। तो ये सब सुन सुन करके कभी हमारी गुरु के साथ मिलने भी, कोई मिडिल क्लास से नीचे का चाहे ऊपर का सब आते हैं, माँ हमको ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बेटा बहू के लिए पढ़ाई लिखाए, अपना जमीन जायदाद तक प्रॉपर्टी रख दिया बंद की, आज बेटा बहू में पूछता नहीं है। तो ये चीज मुझे बदलना है धनबाद के अंदर। मुझे, मैं भारतीय एकता पार्टी से हूँ, अलीगढ़ की पार्टी है ये।